अजमेर में कोरोना लॉकडाउन के चलते बंद की गई मकानों की नीलामी हाउसिंग बोर्ड ने फिर शुरू कर दी है, लेकिन अब बोली लिफाफे में डालने के बजाय लोगों को बोर्ड की वेबसाइट पर लगानी होगी। सप्ताह के हर बुधवार को बोली खोली जाएगी। आवासीय अभियंता दीपक कौशिक के अनुसार हाउसिंग बोर्ड के पास इस समय जिले में सभी श्रेणियों के 361 मकान हैं, जिनमें से नाका मदार में 37, ब्यावर में 94 और किशनगढ़ के खोदा गणेश जी कॉलोनी में 230 मकान नीलामी के लिए हैं। इनकी बोली के लिए पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साइट पर सभी श्रेणियों के मकानों की कीमतें और उस पर दी जा रही छूट की जानकारी भी उपलब्ध है। पहले जैसे बुधवार का सील बिट चलता था, जैसे आपको मालूम ही है कि सोमवार को सुबह शुरू होती थी 10 बजे और बुधवार को शाम को 4 बजे बंद होती थी, तो उसमें हम लिफाफे लेते थे ऑफिस में और उसको ओपन करते थे। अब चूंकि कोविड की वो प्रॉब्लम है वो है, तो इसमें हमारे जो आदरणीय कमिश्नर साहब हैं उन्होंने निश्चित किया कि भाई इसमें आम आदमी को भी परेशानी नहीं हो और उसके मकान की आवश्यकता भी पूर्ति होती रहे उसको, और उसको ऑफिस भी नहीं आना पड़े, अननेसेसरी एक्सपोजर नहीं हो, तो उन्होंने सारी चीज़ को एज इट इज़ डिजिटल पर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब बिल्कुल उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। 1 तारीख से हमने उसके रजिस्ट्रेशन खोल दिए, ऑनलाइन उसको रजिस्ट्रेशन कराना है। 8 महीने का पहला मंगल सोमवार आया, तो सोमवार को सुबह 10 बजे से ऑनलाइन ही बिडिंग शुरू।